हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। फिजिक्स में आज के वीडियो में जानेंगे संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसको हम लोग संधारित्र का सम्मोहन भी बोल सकते हैं या संयोजन। तो संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र का संयोजन जो होता है वो तीन प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ऐसे जनरली अगर पूछा जाए, जनरली देखा जाए तो दो ही प्रकार का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ये जो है मिश्रित क्रम, इस दोनों का मिला हुआ रूप होता है। तो यहाँ पे संधारित्र का संयोजन जो है हम लोग जानेंगे तीन प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो बारी बारी से देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, जैसे हमारे पास बहुत सारा संधारित्र है, हमारे पास क्या है बहुत सारा संधारित्र है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो गया, जैसे हमारे पास संधारित्र, ये संधारित्र का संकेत जो है इसी तरह का होता है। ये क्या हो गया संधारित्र का संकेत, ध्यान रखना है दोनों पट्टी जो है समान, एक समान रहेगा, दोनों पट्टी का आकार एक जैसा रहेगा। अगर एक बड़ा और दूसरा छोटा कर देते तो ये सेल हो जाता है, सेल का संकेत। संधारित्र का संकेत है यहाँ पे दोनों पट्टी को बराबर रखना, ये संधारित्र का संकेत होता है। तो यहाँ पे संधारित्र के धारिता को पिछले क्लास में बताया गया था, संधारित्र के धारिता को सी से। तो यहाँ पे ये पहला संधारित्र है, फिर यहाँ पे दूसरा संधारित्र है और फिर यहाँ पे तीसरा संधारित्र है। तीन संधारित्र हम लिए हैं, इस तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का अर्थ हुआ कि तीनों संधारित्र को एक लाइन से, एक ही लाइन से जितना भी संधारित्र रहेगा, सभी संधारित्र को एक ही लाइन में अगर जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे जुड़ने के बाद जिस जो संयोजन हुआ है, यहाँ पे जो जुड़ा है, इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। यहाँ पे बहुत सारा संधारित्र हमारे पास रहेगा और इस संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने का अर्थ हुआ कि सभी संधारित्र को दो बिंदु के बीच जोड़ना है। तो इस प्रकार जोड़ना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यानी चालन के रास्तों की संख्या केवल एक, यानी एक सीधा में जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पे इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या किए हैं, दिए गए संधारित्र को, जो संधारित्र हमको दिया गया है, उस सभी संधारित्र को दो बिंदु के बीच, दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़े हैं कि दिए गए बिंदु के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक है। यहां से ए से बी तक जाने के लिए बोला जाए तो ए से बी तक देखिए एक ही रास्ता है, इसी रास्ता से हम लोग जा सकते हैं, तो चालन के रास्तों की संख्या केवल एक है, इसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अधिक संधारित्र भी दिया जा सकता है, यहाँ पे अगर आपको जो है चार संधारित्र दे दिया गया, C1, C2, C3, C4, अगर इसको बोला जाए कि श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो श्रेणी क्रम में सिंपल है, इस प्रकार जोड़ेंगे कि चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो। तो यहाँ से ए से बी तक जाने में केवल एक ही रास्ता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस तरह से यहाँ पे जो है दो बिंदु के बीच इस प्रकार जुड़े हैं कि चालन के रास्तों की संख्या कितना है, केवल एक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। तो यहाँ से श्रेणी क्रम समझ में आ गया, इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। श्रेणी क्रम का परिभाषा क्या जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए, क्या परिभाषा आएगा, दिए गए संधारित्र को, दिए गए संधारित्र को,
दो बिंदुओं के बीच दिए गए संधारित्र को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या, चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, या यहाँ पे लिख सकते हैं दिए गए संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, या डायरेक्ट बोल सकते थे श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन मतलब हो गया दिए गए संधारित्र को दो बिंदुओं के बीच किस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो, दिए गए संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन मतलब समझ गए कि दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़ना है कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या कितना चाहिए? केवल एक होना चाहिए। तो इसको हम लोग संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन जो होगा, जैसे यहाँ पे अगर संधारित्र दिया जाए, यहाँ पे जो है संधारित्र दिया जाए, यहाँ पे तीन संधारित्र दिया गया है, C1 है, C2 है और C3 है। तो इसको जो है श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ेंगे। समांतर क्रम का अर्थ होता है कि संधारित्र को इस तरह से जोड़ना है कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या जो होगा वो संधारित्र की संख्या के बराबर। यहाँ पे नजर आ रहा है टोटल कितना संधारित्र है? तीन संधारित्र है, तीन संधारित्र है C1, C2 और C3। अब इस संधारित्र को क्या किया? समांतर क्रम में जोड़े हैं एक दूसरे का, सभी क्या समांतर। तो समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या होता है कि अगर A से B तक जाना है तो A से B तक जाने के लिए सबसे पहला रास्ता ऊपर से चला गया, फिर दूसरा रास्ता बीच से चला गया, फिर तीसरा रास्ता नीचे से चला गया। यानी हमारे पास टोटल संधारित्र का संख्या भी तीन है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता भी कितना है? तीन है। तो जितना संधारित्र रहेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के रास्तों की संख्या भी उतना ही हो, यानी संधारित्र की संख्या के बराबर रास्ता है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। यहाँ पे क्या परिभाषा बोल सकते हैं? दिए गए संधारित्र को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के
के रास्तों की संख्या, चालन के रास्तों की संख्या किसके संख्या के बराबर? संधारित्र की संख्या के बराबर हो। संधारित्र के संख्या के बराबर हो संधारित्र की संख्या के बराबर हो तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन मतलब हो गया दिए गए संधारित्र को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या संधारित्र के संख्या के बराबर हो। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो जितना संधारित्र रहेगा जाने का रास्ता भी उतना ही होगा, तो समझ जाएंगे ये समांतर क्रम संयोजन है। तो संधारित्र पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए श्रेणी क्रम कैसा होता है, समांतर क्रम कैसा होता है, ये ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम लगातार हो गया, समांतर क्रम जो है इस तरह से जितना संधारित्र का संख्या उतना ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता, ये समांतर क्रम हो गया। इस तरह से दोनों का परिभाषा देख लिए, इसको जो है वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं। हम एक साइड साफ कर रहे हैं इधर से। तो यहाँ पे संधारित्र का संयोजन जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जनरली जो है यही दोनों होता है, लेकिन तीसरा जो है वो दोनों का मिक्स रूप मिश्रित मतलब हो गया मिला हुआ, यानी जिसमें हमको श्रेणी क्रम भी दिखेगा और समांतर क्रम भी दिखेगा, यानी तीसरा क्या जाएगा मिश्रित क्रम संयोजन। तीसरा क्या है मिश्रित क्रम संयोजन या समूहन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वैसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों विद्यमान हो, यानी दोनों उपस्थित हो। मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है जिसमें क्या होगा श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों विद्यमान हो, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पे देखिए भाषा है, जितना बेहतर हो सके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं संधारित्र का वैसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों उपस्थित हो, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। या डायरेक्ट बोलिए वैसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों विद्यमान हो, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे मिश्रित क्रम में जोड़ के बताते हैं, यहाँ पे भी जो है हम लोग तीन संधारित्र ले लेते हैं, तीन संधारित्र C1 ले लिए, C2 ले लिए और C3 लिए। जब इसको मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे जिसमें हमको श्रेणी क्रम भी दिख जाए और समांतर क्रम भी दिख जाए, मिश्रित क्रम में जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग दो को जोड़ दिए, ये दोनों श्रेणी क्रम हो गया, यहाँ पे एक नीचे में जोड़ दिए, तो इस तरह से ये मिश्रित क्रम श्रेणी क्रम बोल सकते हैं या समांतर क्रम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिख गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों दिख गया। तो यहाँ पे ये हो गया मिश्रित क्रम संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों विद्यमान है, दोनों उपस्थित है, इसी को क्या बोलेंगे मिश्रित क्रम संयोजन।
इस तरह से यहाँ पे संधारित्र का संयोजन जो है वो देख लिए। अब जो है बारी बारी से देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ संधारित्र, इसका समतुल्य धारिता क्या होगा। फिर इसके बाद देखेंगे समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे संधारित्र को तो इसका समतुल्य धारिता क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जानना है, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता का व्यंजक। सबसे पहले क्या जानना है, श्रेणी क्रम में जो संधारित्र है इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन टाइप से ही लिख देते हैं इसको, यहाँ पे क्वेश्चन बना के ही लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभार बोर्ड में 2 अंकीय प्रश्न के रूप में भी पूछ दिया जाता है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की समतुल्य धारिता का व्यंजक। तो इसको क्वेश्चन बना के लिख देते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, यही क्वेश्चन है। इसको जो है क्वेश्चन के रूप में लिख दिए हैं, इसी को बनाते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कुछ संधारित्र लेंगे और सभी संधारित्र को किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे 3 संधारित्र लिए हैं, C1 है, C2 है, C3 है। इस सभी को जो है किस क्रम में जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। और किसी बैटरी से इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं ताकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो यहाँ जो है संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे ए और बी लिए हैं, तो ए और बी के बीच का विभवांतर, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर देखेंगे। बिंदु ए तथा बी के बीच का विभवांतर, विभवांतर। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, विभवांतर कैसे निकालेंगे, संधारित्र जैसे किसी परिपथ में संधारित्र जुड़ा हुआ है तो विभवांतर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो किस प्रकार जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई संधारित्र है, यहाँ पे जो है कोई संधारित्र है तो संधारित्र के अंदर आवेश जमा होता है, आवेश स्टोर होता है, और इसका धारिता क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे ए है और इस बिंदु पे बी है, तो यहाँ पे इसका विभवांतर, संधारित्र का विभव जो होता है वो दोनों पट्टी के बीच का विभवांतर यानी विभव में अंतर। तो यहाँ पे विभवांतर पता करना है, तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पढ़े थे, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पढ़े थे, C बराबर Q बट्टा, अगर इस बिंदु को ए बी माने हैं तो VA माइनस VB होता है, अगर इस बिंदु को M और N मानेंगे तो VM माइनस VN, ये बिंदु मानने पे हैं। इस तरह से यहाँ पे पढ़े थे, पिछले क्लास में देखे थे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बताया गया था, तो C बराबर Q बट्टा V, और दो गो पट्टी है, A है B है, तो VA माइनस VB लेते थे। इस तरह से ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता था। यहाँ से अगर विभवांतर यानी VA माइनस VB बोला जाए तो यहाँ पे VA माइनस VB बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ये C जो है नीचे चला जाएगा, Q बट्टा C हो जाएगा।
यानी वी ए माइनस वीवी बराबर क्यू बट्टा सी हो जाएगा। अब इस क्यू बट्टा सी को बराबर से पहले ले आते हैं और वीवी को दूसरे साइड भेज देते हैं। वी ए हो गया, क्यू बट्टा सी जो है बराबर से पहले आया तो माइनस हो गया, और वीवी जो है दूसरे साइड गया तो यहाँ पे प्लस में वीवी लिख दिए। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस चीज को गौर से देखना है कि ए से बी तक चले हैं तो ये सारा चीज मिल जाएगा। ए से चलना स्टार्ट किए हैं तो भी ये लिख दिए, रास्ते में एक संधारित्र मिला है तो क्यू बट्टा सी घटा है, आवेश बट्टा धारिता घटा देते हैं। फिर इसके बाद बी तक पहुंचे हैं तो बराबर देकर बी तक पहुंच गए हैं। यानी ध्यान रखना है संधारित्र के टर्म में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो एक बिंदु जिस बिंदु का विभव होगा भी ये लिख देंगे। इसके बाद रास्ता में जितना भी संधारित्र मिलेगा सभी संधारित्र पर आवेश बट्टा धारिता को घटाते हुए और अंत बिंदु पे पहुंच जाएंगे। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, ये जो है इसको हिंट्स दिए किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी विभवांतर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है तो बिंदु ए के लिए क्या ले लेंगे, बी ए ले लेंगे, और यहाँ से जब धारा जाएगा तो सभी संधारित्र से समान यानी सभी पे आवेश जो होगा वो समान होगा। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, क्योंकि सब जो है एक ही रास्ते से गया है, सभी पे हम लोग क्या मान लिए, क्यू मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए से बी के बीच का विभवांतर, बिंदु ए है तो बी ए ले लिए, फिर यहाँ पे माइनस संधारित्र मिला, जान रहे रास्ते में संधारित्र मिलता है तो आवेश बट्टा धारिता घटा देते हैं, आवेश क्यू है धारिता सी वन है घटा दिए। फिर इसके बाद माइनस क्यू बट्टा सी टू, क्यू बट्टा सी टू, फिर से माइनस क्यू बट्टा सी थ्री। अब लास्ट में कहाँ पहुंच गए, बिंदु बी पे पहुंच गए, बी भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं वी ए और उस वीवी को पहले ले आए तो माइनस वीवी, अब इस सभी चीज को बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं तो क्यू बट्टा सी वन प्लस क्यू बट्टा में सी टू प्लस में क्यू बट्टा में सी थ्री। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया, इसको जो हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, इस चीज को क्या किए हैं, पहला समीकरण मान लिए हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है समतुल्य धारिता निकालना है तो हमको समतुल्य संधारित्र लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेते हैं समतुल्य संधारित्र, समतुल्य संधारित्र, समतुल्य संधारित्र। समतुल्य संधारित्र मतलब हो गया, समतुल्य संधारित्र मतलब हो गया यहाँ पे ये तीनों संधारित्र मिलके जितना काम कर रहा है उतना काम अकेले कोई संधारित्र कर देता है उसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य संधारित्र। जैसे किसी काम को तीन आदमी मिलके कर रहा है उसी काम को, उतना ही काम को अगर एक आदमी खुद कर लेता है, अकेले कर लेता है, तो हम बोल देते हैं कि इसके समतुल्य उस तीनों का काम हुआ, मतलब तीनों के बराबर ये अकेला काम कर लिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य। जैसे यहाँ पे इस परिपथ में जुड़े हैं तीन संधारित्र जुड़े हैं, तीनों मिला के अगर एक ही संधारित्र उतना काम कर लेता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य संधारित्र। तो यहाँ पे जो है ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और यहाँ पे हम लोग मान लिए ये जो है समतुल्य संधारित्र है, समतुल्य संधारित्र, और सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए इस तीनों के बदला हम लोग सी ले लिए हैं, और सी एस, सी एस ताकि पहचान में रहे कि ये समतुल्य संधारित्र है। एस ले लिए हैं, एस दर्शा रहा है ये जो है श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है इसका समतुल्य संधारित्र है। तो यहाँ पे मान लेते हैं माना समतुल्य धारिता, माना समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता क्या मान लिए हैं, सी एस मान लिए हैं। फिर अब यहाँ पे ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है तो बी ए लिखेंगे, माइनस आवेश बट्टा धारिता घटाएंगे सी क्यू बट्टा सी एस, और कहाँ पहुंच जाएंगे, वीवी पे पहुंच जाएंगे।
बी को इस साइड ले आते हैं तो बी ए माइनस बी बी बराबर में क्यू बट्टा सी एस, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। अब इसके बाद पहला समीकरण को देखिए और दूसरा समीकरण को देखिए। पहला समीकरण में क्या दिख रहा है, बराबर से पहले बी ए माइनस बी बी। दूसरा समीकरण में क्या दिख रहा है, बराबर से पहले बी ए माइनस बी बी। तो इस दोनों समीकरण से हम लोग क्या देख रहे हैं, बराबर से पहले जो है दोनों बराबर है, इसका मतलब हुआ कि बराबर के बाद वाला भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से पता चल गया कि क्यू बट्टा सी एस हो जाएगा क्यू बट्टा सी वन प्लस क्यू बट्टा में सी टू प्लस में क्यू बट्टा में सी थ्री। अब यहां से देखिएगा तो सभी में क्यू नजर आ रहा है, सभी में क्यू नजर आ रहा है तो क्यू कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे वन बट्टा सी वन प्लस वन बट्टा सी टू प्लस वन बट्टा सी थ्री आ गया। अब यहाँ पे क्यू और क्यू कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, वन बट्टा सी एस बराबर वन बट्टा सी वन प्लस वन बट्टा सी टू प्लस में वन बट्टा सी थ्री। तो यही फॉर्मूला आ गया, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का समतुल्य धारिता क्या जाएगा, वन बट्टा सी एस बराबर वन बट्टा सी वन प्लस वन बट्टा सी टू प्लस वन बट्टा सी थ्री, यही निकल गया समतुल्य धारिता। तो इसको जो है कॉपी कर लेंगे, इसको जो है हम एक साइड मिटा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना भी है, इस साइड मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र, तो क्या गो संधारित्र जुड़ा था, तीन गो जुड़ा था, तो तीन गो जुड़ा था जिस कारण से इसका फॉर्मूला क्या आ गया, वन बट्टा सी एस बराबर वन बट्टा सी वन प्लस वन बट्टा सी टू प्लस वन बट्टा सी थ्री। अब यहाँ पे यदि सभी मतलब एक से अधिक सॉरी तीन से अधिक संधारित्र यानी श्रेणी क्रम में बहुत संधारित्र जुड़ा हुआ हो, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यदि परिपथ में या यदि श्रेणी क्रम में n संधारित्र जुड़ा हो, यदि श्रेणी क्रम में n संधारित्र जुड़ा हो, n संधारित्र मतलब हो गया बहुत सारा संधारित्र जुड़ा होगा, तो क्या करेंगे, तो बहुत सारा संधारित्र जुड़ा होगा तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला, जितना भी संधारित्र जुड़ा होगा सभी संधारित्र को वन बट्टे के रूप में जोड़ते जाएंगे। यदि मान के चलिए कि अगर पांच गो संधारित्र जुड़ा हुआ है तो समतुल्य धारिता जो हो जाएगा वन बट्टा सी एस बराबर वन बट्टा सी वन प्लस वन बट्टा सी टू प्लस वन बट्टा सी थ्री प्लस वन बट्टा सी फोर प्लस वन बट्टा सी फाइव, जितना भी संधारित्र रहेगा सभी को वन बट्टे के रूप में जोड़ते जाना है। तो इस तरह से यदि n संधारित्र जुड़ा होगा तो इसके लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पे जितना भी संधारित्र जुड़ा हो सभी संधारित्र का धारिता समान हो तब क्या होगा, यदि सभी संधारित्र की धारिता समान हो, यदि सभी संधारित्र की धारिता समान हो यानी श्रेणी क्रम में जितना भी संधारित्र जुड़ा हुआ सभी का धारिता समान है, मतलब C1 बराबर C2 बराबर CN सभी बराबर है, यानी सब जितना भी है सबका धारिता हम लोग C मान लेते हैं, यानी यहाँ पे श्रेणी क्रम में जितना भी संधारित्र जुड़ेगा सभी का धारिता क्या है, समान है। C1, C2, C3, C4 जो भी है CN तक सबको क्या मान लिए, C मान लिए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला जाएगा, वन बट्टा सी एस बराबर हो जाएगा वन बट्टा सी प्लस वन बट्टा सी, इस तरह से सब जुड़ते जाएगा और टू एन टर्म्स जितना रहेगा पांच रहेगा दस रहेगा सभी जो है एन टर्म्स तक जुड़ते जाएगा, तो वन बट्टा सी एस। तो यहाँ पे सभी को जोड़ने पे जैसे यहाँ पे देखिएगा जोड़ में वन बट्टा सी प्लस वन बट्टा सी प्लस वन बट्टा सी तीन गो है तो ऊपर में तीन बट्टा सी लिखाएगा, अगर चार हो जाएगा जोड़ते जोड़ते तो यहाँ सभी में
चार बट्टा सी लिखा जाएगा। अगर जोड़ते जोड़ते यहाँ पे अगर हम लोग भिन्न का जोड़ जान रहे हैं, यानी यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच हो गया, तो यहाँ पे निश्चित रूप से पांच बट्टा सी लिखा जाएगा। तो यहाँ करने का अर्थ हुआ कि जितना संधारित्र एन संधारित्र है तो एन बट्टा सी हो जाएगा। यहां से अगर सी एस बोला जाए तो ये पलट जाएगा सी बट्टा एन। तो इस तरह से अगर एन संधारित्र बहुत सारा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट सी एस बराबर सी बट्टा एन। कहने का अर्थ हुआ यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि पांच संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेराड है तो इसका समतुल्य धारिता निकाले। तो पांच संधारित्र है तो एन का एन के जगह पांच लिख देंगे और प्रत्येक का धारिता 10 है तो ऊपर में 10 लिख देंगे। इस तरह से डायरेक्ट भी बन जाएगा। या सिंपल है कि जो भी संधारित्र है समतुल्य धारिता निकालना है तो 1 बट्टा C1, 1 बट्टा C2 सभी को जोड़ते हुए सी एस का मान निकाल लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि एन संधारित्र जुड़ा होगा तो सी बट्टा एन भी डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए फॉर्मूला आ गया। यहाँ से एक नोट पॉइंट आप लोग को बताते हैं, और संधारित्र जुड़ा हुआ है तो कैसे इसको बनाएंगे वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे श्रेणी क्रम में संधारित्र को कुछ देते हैं, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड हो गया, दूसरा है 4 माइक्रोफेराड हो गया, तीसरा जो है 6 माइक्रोफेराड। यहाँ पे 3 संधारित्र है और सभी को किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में दिख रहा है कि सभी जो है 2 बिंदु के बीच जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि दोनों बिंदु के चालन के रास्तों की संख्या केवल 1 है। इस तरह से सभी जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसका समतुल्य धारिता निकालिए। समतुल्य धारिता का फॉर्मूला लगा देना है 1 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 4 प्लस 1 बट्टा 6, जो भी रहेगा सबको 1 बट्टे के रूप में जोड़ना है। यहाँ से 2, 4 और 6 का एलसीएम अगर बोला जाए तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 आ गया, 2 से 6 बार में प्लस 4 से 3 बार में प्लस 6 से 2 बार में, तो 1 बट्टा CS बराबर देखिए 6 3 9 2 11 बट्टे में 12। तो यहाँ से सी एस का मान निकालना है, सी एस ऊपर जाएगा यानी पलट जाएगा तो यहाँ भी पलट जाएगा 12 बट्टे 11 माइक्रोफेराड। यहाँ से समझ गए किस तरह से बनाना है। श्रेणी क्रम में कोई भी रहेगा उसका समतुल्य धारिता निकालने के लिए बोला जाए तो 1 बट्टे के रूप में बदल देना है, और 1 बट्टे के रूप में बदल के फिर इसको बना लेना है। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या निकला, नोट पॉइंट देखिए, यहाँ से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 11 से अगर 12 में भाग लगाते हैं 11 एकम 11 आता है, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद आते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सबसे छोटे संधारित्र का धारिता कितना है, 2 माइक्रोफेराड। सबसे कम धारिता वाला संधारित्र जो है वो 2 माइक्रोफेराड का। जब सभी का समतुल्य धारिता निकाले हैं तो सबसे छोटा 2 है और समतुल्य धारिता 2 से भी कम निकल रहा है। समतुल्य धारिता यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी 2 से भी कम निकल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का समतुल्य धारिता सबसे छोटे संधारित्र के धारिता से भी कम होता है। यानी नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का समतुल्य धारिता क्या लिखेंगे। यहां से पता चल गया है तो यहां से क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का समतुल्य धारिता
सबसे छोटे संधारित्र के धारिता से भी कम होता है। सबसे छोटे संधारित्र के धारिता से भी कम होता है, यानी श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का समतुल्य धारिता जो है वो सबसे छोटे संधारित्र के धारिता से भी कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र का समतुल्य धारिता पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का धारिता बताया जाएगा।